वेजिटेबल चीज समोसा। तो हम चले किचन में। जी तो हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देते हैं। हमें चाहिए समोसा लीव्स, उसके बाद मसाले चाहिए जिसमें हमने लिया गरम मसाला, हल्दी, काली मिर्ची, लाल मिर्ची, चाट मसाला और धनिया जीरा भुना पिसा हुआ, और ये मोजरेला चीज, क्या है हनिया, कैबेज, बॉइल्ड एंड मसाले चॉप, बॉइल्ड एंड चॉप चिकन और मसाला, और कैरेट चॉप, और शिमला मिर्च, कैप्सिकम हमने ली है, और ये समोसा लीव्स। ठीक है, हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, बिल्कुल थोड़ा सा, 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। चिकन डालेंगे खाने, बहुत बढ़िया चिकन डाले हनी, वो रखिए चॉप चिकन है जी, ये 250 ग्राम चिकन है, उसको उबाली है हमने, और लहसुन और अदरक में उबाला है नमक डाल के, और इसको हमने चॉप कर लिया है। ठीक है, अब 1 मिनट हानिए, इसमें चमचा चलाए, स्पून चलाए, जल्दी जल्दी अच्छे से इसको भूनेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना, नेक्स्ट पूजा को करना, बुनाई करना, हानि अगर चमचा चलाने का तो बहुत शौक है। चलिए स्टार्ट करें, हल्की आँच पर इसको चमचा चलाएंगे, ओनली 2-3 मिनट्स के लिए। चलिए रिदा, रिदा की बारी है चमचा चलाने की, रिदा ने स्पून चलाया। अब गाजर डालेंगे, रिदा गाजर डाले, रिदा रिदा, वेरी नाइस, ये 5 कैरेट्स है जिसको हमने चॉप कर लिया। अभी हम गाजर भूनेंगे, इसके बाद शिमला मिर्च डालेंगे, ना ना ऐसे नहीं, मैं आपको बताती हूँ, तो ऐसे भी कर सकते हो, मिक्स ही पकड़ना है। शिमला मिर्च और शिमला मिर्च, अच्छा हनिया डालेंगी, ओके फाइन, रेडा ने डाला, मिक्स करें, हनिया मिक्स करें, अभी कैबेज भी डालना है ना, दोनों पार्टी में दोनों पार्टी में रेडा कैबेज डाल दो, कैबेज रेडा नहीं आप डालेंगे, मैं प्लीज हनिया, गुड गर्ल, यू आर नाइस गर्ल, मिक्स करें रेडा, वेरी गुड। अब हनिया जल्दी से कैबेज डालें क्योंकि इनको मिक्स करके मसाले डाल के 10 मिनट्स के लिए धीमी आंच पर छोड़ना है ताकि ये अच्छे से पक जाए, फिर इनको ठंडा करके इसमें हम मोज़रेला चीज़ डालेंगे और समोसे बनाएंगे। अजय हनिया जल्दी से कैबेज, वेरी नाइस, हमने कैबेज डालेंगे रिदा, 2 मिनट चमचा रखो, वेरी गुड, ये देखिए। चलिए अब इसमें हम मसाले डालते हैं, काली मिर्च है, लाल मिर्च, नमक है, भुना पिसा धनिया और जीरा है, बीच में ये चाट मसाला, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला, ये सब डाल दें, नमक आपको कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं, मसाले इसमें सारे यही जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा चाइनीज टेस्ट लाना है तो आप इसमें अजनमोटो डाल सकते हैं, कोई और ओरिगैनो और थाइम भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप अगर आपको थोड़ा सा टच डालना है पिज़्ज़ा, चलिए अब हम इसको थोड़ी देर, बिल्कुल इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, समझे, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, तो ये थोड़ा देर पक जाए। ये देखिए इसमें हमने इतना पानी डाला और इसको हम मिक्स करेंगे, इसको 15 मिनट्स के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे, लो भी नहीं कह सकते और बहुत ज़्यादा लो में गलेंगे नहीं, मीडियम फ्लेम पर इसको छोड़ दें 15 मिनट, इंशाल्लाह 15 मिनट के बाद खोलेंगे, ठंडा करेंगे और फिर चीज़ ऐड करेंगे, ठंडा करके मोज़रेला चीज़, शेडेड चीज़ ऐड करेंगे। 15 मिनट हो गए हैं, अब रिदा खोलेंगे ढक्कन, ये देखिए ने ढक्कन की, बिल्कुल स्टीम हो गई है, सब गल गई है बेहतरीन, इसको ठंडा करेंगे, इसको चीज़ ऐड करेंगे और समोसे बनाएंगे इंशाल्लाह। जी तो अब ये ठंडा हो चुका है और 250 ग्राम हम इसमें डालेंगे श्रेडेड मोज़रेला चीज़, हम ऐसे ये ज़्यादा हो गया लेकिन निकाल देंगे इसका, मैं ग्लव्स नहीं पहन कर आई जल्दी, चलो आप लोग ग्लव्स पहन के करें, ऐसे करेंगे और इसके ऊपर तो ग्लव्स पहन के रेडी बैठे हैं, ये देखिए मेरा भी ग्लव्स पहनी है, वेरी नाइस, ये देखिए आपका समोसा बन गया, रखेंगे प्लेट में, अच्छा इनकी ये जो निप्स है इसको प्रेस करेंगे और इसके अंदर ये जो लई है लई में डिप करेंगे और ऐसे इसको प्रेस कर देंगे, बन गया हमारा समोसा। अभी पहला है ना तो हमें थोड़ा सा आइडिया नहीं, ठीक है, अच्छा आप लोगों को एक और नई ट्रिक दिखाती हूँ, अगर आपने न्यू बनाना है कुछ, जिन बच्चों को समोसा बनाना नहीं आता वो क्रॉस में बिछाएंगे, हमें बड़ी जल्दी होगी और ऐसे
ये है हानिया का समोसा, समोसा तो नहीं है ये, स्क्वायर करके पैटी करके है इस तरह से। और ये रिदा का समोसा है, वेरी नाइस। हानिया का भी बहुत प्यारा है। 100 out of 100। अरे वाह भाई, मजे का बना। और इसमें पिज्जा फ्लेवर आ रहा है ना, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने डाली है चीज, बहुत सारी मोज़रेला चीज डाली। चलिए अब अल्लाह हाफिज़ कर दें। अल्लाह हाफिज़, नई वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।